न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। मथुरा में जहां पर टाउनशिप के पास ही काशीराम आवास योजना, नाजिर खान और यहां पर दीपक कुमार अन्य लोगों ने बताया कि यहां पर नरक की जिंदगी यहां के लोग जी रहे हैं। मथुरा के टाउनशिप के पास काशीराम आवास योजना, नासिर खान, दीपक कुमार और अन्य लोगों ने बताया कि हम नरक की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। ब्लॉक 93, 94, 95, 96, 97 और 98 में गंदा पानी भरा हुआ है, हमेशा रहता है। 3 साल हो जाते हैं, सफाई का कोई नाम नहीं है। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ ये गंदगी। पुराने भारत में तो बाद में मरेंगे, हम यहाँ से गंदगी से ही मर जाएंगे। हमने शासन प्रशासन से बहुत दरख्वास्त लगाई लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जाता। बिल्डिंग जर्जर हालात में, बिजली के खंभे गिरने के हालात में है और इनमें करंट रहता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों की तरफ ध्यान दें। ये काशीराम कॉलोनी टाउनशिप, ब्लॉक नंबर 93, 94, 92, 90, 86 से 94 तक, 86, 87, 88, 89 ब्लॉक इतना परेशान है, 90, 91, 92, 94 बच्चे डॉक्टर ले जाते हैं। कितने टाइम से यह गंदगी का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम नाजिर है, करीब 9 साल हुए हमें रहते हुए। काशीराम कॉलोनी में पानी का जो निकास है वो नाली की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था नहीं बनाई है। गवर्नमेंट के हमने बहुत चक्कर लगा दिए, जिलाधिकारी मोदी जी के यहाँ पे 50-50, 100-100 महिला गई हैं, आदमी गए, बच्चे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहाँ तक विकास प्राधिकरण के खूब चक्कर लगा चुके हैं, हमें आश्वासन दिया गया है कि आपने नाला बना दिया है, जल्द से जल्द तैयार कर दिया जाएगा। हमें पार्षद जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं बहुत छोटी चीज है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वापस नगर आयुक्त के पास में आते हैं, अभी तक पैसा आया नहीं है, किसी चीज से टालम टोल आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। एक तरफ यूपी सरकार सफाई का दावा भरती है और दूसरी तरफ यहाँ गंदगी का माहौल देखने के लिए मिला है। 3-3 साल हो जाती है, कोई देखने के लिए, कोई सफाई के लिए तैयार नहीं।